हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मेरी मम्मी बना रही हैं गुड़ की चिक्की, गुड़ और तिल की चिक्की दो तरीके की। तो सबसे पहले मूंगफली को हमें रोस्ट कर लेना है, देन ठंडा होने पे आपको किसी थाली में कर लेना है। उसके बाद जो इसके छिक्कल होते हैं वो हम हटाएंगे। तो मम्मी ने बोला कॉटन के कपड़े पे इस तरीके से करने से, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, इस तरीके से छिक्कल बहुत जल्दी निकल जाते हैं, एक भी छिक्कल नहीं बचता है। तो मैं इसी तरीके से कर रही थी, मेरे एक हाथ में चोट थी तो मैं अच्छे से कर नहीं पा रही थी, इस वजह से मम्मी ने बोला मैं करती हूँ। तो उसके बाद उन्होंने कुछ इस तरीके से अपने स्टाइल में, जैसे कि करते हैं हम सभी की मम्मियाँ जिस तरीके से करती हैं, इस तरीके से थाली से फटकना। उसके बाद हमें तिल भी इसी तरीके से रोस्ट कर लेने हैं। दैन तिल को हमें मिक्सी में पीस लेना है, हल्का सा ही आपको करना है, अपने आप वो पिस जाएगा कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से ये दिखेगा पिसने के बाद। और इसी तरीके से आपको मूंगफली का भी पाउडर बना लेना है। देन आपको एक कटोरे में गुड़ लेना है और दो बड़े चम्मच भर के इसमें पानी डालना है। उसके बाद हम चाशनी बनाएंगे, धीरे धीरे इसको मेल्ट होने दीजिए। उसके बाद जब इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से हो जाए, देन आपको इसमें ऐड करना है 2 चम्मच घी। उसके बाद इसको मिक्स होने दीजिए। चाशनी जब बन जाती है तो उसे हमें पानी में डाल के चेक करना होता है। देन आप कुछ इस जैसा आपको वीडियो में दिख रही है कुछ इस तरीके से दिखेगी, तब तक हमें इसको पकाना है। उसके बाद इसमें जो मूंगफली है वो इसमें डाल दीजिए और फ्लेम को बंद नहीं करना है, आपको मिक्स करते जाना है इसको। तब तक मिक्स करते रहिए तब तक सारी चीज़ें आपस में मिक्स ना हो जाए। उसके बाद हमें फ्लेम बंद करके नीचे अच्छे से इसको चलाना है, चलाते रहना है ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद आपको जिस पे ये आप डालोगे उस पे आपको घी लगा लेना है, ताकि जब हम इसका जब ये पीस बन जाएंगे तो आसानी से उपट जाएंगे, निकल जाएंगे, हमारी लैंग्वेज में उपट जाएंगे। उसके बाद इस पे सारा का सारा जो भी मटेरियल है उस पे डाल दीजिए। देन जो बेलन होता है उस पे भी हमें घी लगा लेना है। उसके बाद आपको इसे बेलना स्टार्ट करना है, जितना भी पतला या जितना भी थिक आपको चाहिए उस हिसाब से आपको इसको बेलते जाना है। तो हमारी जो गुड़ चिक्की है वो अच्छे से बेल दी हमने, बिल्कुल इसी तरीके से आपको दूसरी वाली भी बनानी है। और बनने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिख रही है, और दूसरी वाली जो बनाई थी वो इस तरीके से। वो टेस्ट मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ जो कल मम्मी ने बनाया था। ये तो है जिसे मम्मी ने पीस के बनाया था, सेम उसी तरीके से बहुत टेस्टी और बहुत फायदेमंद भी है ये। आप बहुत ज्यादा सर्दियों में बनाओ, बच्चे बड़े बूढ़े कोई भी खाएं, बहुत फायदा करेगा। सर्दी खांसी जुखाम वो बहुत एनर्जेटिक भी है। और दूसरा था ये वाला, ये भी खाती हूँ, ये भी बहुत अच्छा बना है। सो गाइस, आप भी एक बार ट्राई करना, इसी तरीके से बनाना, बहुत अच्छी बनेगी। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय।